यहां पर हर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। उन्होंने कहा जब उन्हें वोट मांगना होता है तो वो सारे प्रदेश जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अखिलेश को जो मांग थी वो खारिज कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रदेश में हुई किसी घटना के बारे में यूपी विधानसभा में बात नहीं होगी। उन्होंने अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यहां पर सीएम योगी को घेरा और कहा कि यहां पर जब वोट मांगना होता है तो वो तमाम प्रदेशों में जाते, मणिपुर में भी वो गए थे, तो फिर यहां पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे और सरकार यहां पर आकर ठोस बयान क्यों नहीं दे रही है। और साफ तौर पर कहा भी कि पीएम जो है उन्हें भी संसद में कब से बुलाया जा रहा है पर वो नहीं पहुंच रहे। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में भी इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल तीन तस्वीरें आपको दिखा दे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आज सदन की शुरुआत होने से पहले ही यहां पर जो है जोरदार हंगामा हुआ। सीएम योगी जब यहां पहुंचे तो आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष को यहां पर कहा था कि तमाम मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष जो है वो सरकार पर भारी नजर आए और तमाम लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जो है वो सीएम योगी को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब वोट मांगना होता है तो तमाम प्रदेश सीएम योगी पहुंचते, मणिपुर भी वो गए थे, जब वहां इलेक्शन था तब वोट मांगा था तो मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं होगी। वहीं तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे कि सदन के बाहर जो तमाम विपक्षी नेता है, सपा के नेता है, वो यहां पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए खड़े। सभी का कहना है कि मणिपुर पर चर्चा हर प्रदेश में होनी चाहिए, हर विधानसभा में होनी चाहिए, फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र की जैसी शुरुआत हुई, हंगामा शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर सदन में सार्थक चर्चा करने के लिए विपक्ष को बुलाया था, लेकिन आपको बता दें विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती इससे पहले ही विपक्षी सदस्यों का जो हंगामा है वो शुरू हो गया। विपक्ष के विधायक यूपी विधानसभा की बेल में पहुंच गए। वे मणिपुर हिंसा और टमाटर के मूल्य को लेकर यहां पर जोरदार हंगामा करते नजर आए। तीन तस्वीरें तो यूपी विधानसभा से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे। आपको बताते कि चाहे यहां पर लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर किसी भी प्रदेश की विधानसभा हो, तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए और देश में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल तस्वीरें जो है वो तीन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली जो तस्वीर सदन से आपको दिखा रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जो है वो सीएम योगी को घेरते हुए नजर आए। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि आज क्या कुछ उन्होंने यहां पर सभा में कहा और किस तरह सीएम को घेरते नजर आए। कोई जगह अध्यक्ष महोदय दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा की है, इंग्लैंड में निंदा की, यहां सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहां पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। नहीं, वो जहां पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष नेता हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्य निवेदन के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय नहीं, लेकिन हम एक सच्चे नहीं, आप अपना विषय एक सच्चे नहीं, आप बैठिए योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे। हम कहते देश में कहीं अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया, ये विधानसभा कम से कम इससे तो विधानसभा नियमावली। अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है, वो डर वहां जाके नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत दूर करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 300 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकाले आप। आप देखिए, डबल इंजन सभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूँ, आवरू पर हाथ डाल सम्मान करता हूँ। आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सब मालूम है, सही साबित करेंगे आप इसको राजनीति। क्या आप इसे सही मानते हैं जो घटना मणिपुर में हुई है? जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। महोदय,
देखिए मणिपुर जैसी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ अगर बंगाल में जो थोड़ा सही और गलत यहाँ पर नहीं, इसलिए मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में थोड़ा सही और गलत यहाँ प्रधानमंत्री सुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे देश के प्रदेशों में हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते। चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला जहां पर बोला, देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए। नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आज आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज। मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं, जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई है, माननीय सदस्यों ने 301 की सूचना। आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिया है 301 के अंतर्गत माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं, इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचना है, आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए मैं नियम 301 की मतलब बुलाता हूं। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए इसीलिए ये सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित है, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर है तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर है, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, नहीं चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए, अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान और हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने यू आर ए गुड बॉय, आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले लीजिए। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले लीजिए। चौधरी
तो आपने यहां पर कार्रवाई सुनी, आपने देखा कि किस तरह अखिलेश यादव यहां पर सीएम योगी को घेरते हुए नजर आए। हालांकि आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर की जो भी मुद्दा है या फिर यहां पर वेस्ट बंगाल का जो भी मुद्दा है वो वहां पर बात होगी, यहां नहीं होगी। वही विधानसभा में चर्चा होगी, यूपी विधानसभा में इसको लेकर नहीं होगी। तो जो मांग की गई अखिलेश यादव द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो बेहद ही निंदनीय है, लेकिन यूपी विधानसभा में यूपी के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मणिपुर की जो भी चीजें हैं वो वहां के विधानसभा में होगी। फिलहाल आपको बता दें कि सदन में जब हंगामा शुरू हुआ तो स्पीकर को खड़े होना पड़ा और सभी लोगों को कहना पड़ा कि आप अपनी सीट पर जाएं, क्योंकि जो तमाम विधायक थे विपक्ष के वो यहां वेल में पहुंच गए। और उसके बाद स्पीकर जो है वो बेहद गुस्सा नजर आया। आपको बता दें कि संसद हो या फिर विधानसभा हो, मणिपुर का जो मुद्दा है वो अब तेज होता जा रहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने सरकार को यहां पर घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तमाम यहां देश में चुनाव होते हैं तो सीएम योगी सभी जगह वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो मणिपुर भी गए थे, फिर मणिपुर पर चर्चा करने से सरकार क्यों कतरा रही है, इस बार पर वो जवाब दे। आपको बता दें कि उनकी मांग राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में होती है, मणिपुर चुनाव में वो वोट मांगने गए थे, इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए और लोगों में जो डर है उसे दूर करना चाहिए। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने उन्हें घेरा और तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार उनको घेरती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि टमाटर के यहां पर मूल्यों को लेकर विपक्ष लाल नजर आ रहा है और तमाम सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे टमाटर हो या देश में तमाम और चीजों के जो मूल्य है वो लगातार बढ़ते जा रहे और आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। अगला जो बयान है वो आपको यहां पर सुनवा देते, क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहना है, क्योंकि जो विपक्ष है वो बेहद नाराज नजर आ रहा है। लघु मध्यम व्यापारियों पर किया जा रहा है, जीएसटी को ईडी को सौंप कर व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को कुचलने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सारे मुद्दों को एक एक करके विधानमंडल सत्र में रखा जाएगा। अभी आज के इस कार्यक्रम संबंधित कोई बात नहीं। अभी सभी विधानमंडल के सदस्य अपनी पूर्व रणनीति के तहत प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर एक एक करके सरकार को की जवाबदेही को सूचित कराएंगे और आज सत्र प्रारंभ के पहले हम सभी विधानमंडल के सदस्यगण माननीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जाकर के उनको नमन भी करेंगे और उनको नमन करने के बाद हमारे सभी सदस्य अपनी अपनी कार्रवाई गुजर रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पर भी लड़ाई लड़ने का काम किया और सदन में भी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला, पिछली सवाल उससे बहुत बड़े हैं, वो सवाल उनको करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश किस स्थिति में खड़ा है। देश की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं वो बिक गई हैं, वो बेची जा रही हैं। तो आज बड़ा मुद्दा तो वो है, अगर किसी को बोलना चाहिए तो इस पर बोलना चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए उनको। उन्होंने ये बात कही कि अखिलेश यादव शाम को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दों को नहीं देख रहे हैं। ओवैसी जी क्या बोलते हैं, उसके पीछे कहां से उनको बोलने के लिए कहा गया है, ये बात वही जवाब दे सकते हैं। देखिए आज हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, किसानों की फसलों की लूट और छुट्टा जानवरों से परेशानी, बढ़ी हुई फीस, मजदूरों की परेशानी, पिछड़े वर्गों की आरक्षण की लूट, इन मुद्दों पर आज हम लोग यहां पर धरना दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला, लेकिन उसके बाद मुसलमानों के लिए कुछ अखिलेश यादव किसानों
मुसलमान भाइयों नौजवानों के नेता हैं, किसानों की चिंता अखिलेश यादव जी को है, और खेती करने वाले लोगों से पूछो सांडों से क्या नुकसान हो रहा है, आवारा पशुओं से नुकसान क्या हो रहा है, उसकी चिंता करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये देश किसानों का है, नौजवानों का है। उन्होंने ये बात कही कि अखिलेश यादव सांड की राजनीति कर रहे हैं। सांडों से सबसे ज्यादा परेशानी उत्तर प्रदेश में है किसानों को, नौजवानों को। अब तो शहरों में सांड घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जान ले रहे हैं सांड। तो सांड की चिंता करना समाजवादी पार्टी अपना कर्तव्य समझती है, जन समस्या को उठाना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपना कर्तव्य समझते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव विधानसभा में लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा हर विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो मांग है वो खारिज करती गई। वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनके बयान आपने सुने। सभी का कहना है कि ये मुद्दा जो है वो पूरे देश के लिए है, चाहे यूपी हो या तमाम कोई और प्रदेश हो, लेकिन ये चर्चा जरूर होनी चाहिए। और तमाम आपको बता दे कि जो यहां पर चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं, चाहे वो टमाटर हो या अन्य चीजों की जो प्राइजेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो बेहद नाराज नजर आए। लगातार आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी ने और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को थोड़ा शांत होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का पहला दिन है। अगर इसी तरह जो विपक्ष है वो हंगामा करेगा तो चर्चा जो है वो नहीं हो पाएगी, और जो जरूरी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए वो पीछे रह जाएंगे। साफ तौर पर अध्यक्ष ने भी कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, चाहे किसी भी राज्य की बात हो वो उस विधानसभा में होगी, और जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा हो रही है, लेकिन यूपी के विधानसभा में ये चर्चा नहीं होगी, क्योंकि नियम के अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश की बातें ही यूपी विधानसभा में हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव की मांग को खारिज किया गया। सीएम योगी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहां पर विपक्ष को थोड़ा शांत रहना चाहिए और फिलहाल जो बातें हैं वो सुननी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार से सवाल करे और सरकार जो है वो जवाब देगी। लेकिन अखिलेश यादव आज बेहद तीखे सवाल पूछते नजर आए सरकार से, और तमाम जो सपा पार्टी के यहां पर आप देख सकते कार्यकर्ता है नेता है वो लगातार बैनर पोस्टर लेकर बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के अंदर या बाहर यहां पर भी लगातार जो हंगामा है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। इस महत्वपूर्ण मंच पर वह जनमानस से आम जनमानस से जुड़ी भी समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने उचित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की, पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है।
स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी। तो आपने यहां सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को थोड़ा शांत होना चाहिए क्योंकि यूपी में अपने ही बहुत सारी ऐसी समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर चर्चा होनी चाहिए। अगला जो बयान है वो आपको सुनवा देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का, उनका क्या कुछ कहना है क्योंकि जब आज वेल में यहां पर जो विपक्ष है वो पहुंचा तब वो बेहद नाराज नजर आए। फिलहाल आपको बयान सुनवा देते हैं। आज समय बैठेंगे तब देखेंगे कि क्या रोल होगा। क्या सर किसी पे कार्रवाई विधायक भी हो सकती है इस तरीके से? ये कैसे कहा जा सकता है? अभी तो अरे नहीं लो। आज निधन के निर्देश हैं। तो पढ़ा जाएगा, अब जो पढ़ा जाएगा वो विधानसभा में पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, और क्या आज रहने वाला है? आज विधानसभा का सत्र शुरू है, पहला दिन। पहले से ही आया हुआ था। आज इस समय बैठेंगे तब देखेंगे कि क्या रोल होगा। क्या सर किसी पे कार्रवाई विधायक भी हो सकती है इस तरीके से? ये कैसे कहा जा सकता है? अभी तो अरे नहीं लो। आज निधन के निर्देश हैं। तो पढ़ा जाएगा, अब जो पढ़ा जाएगा वो विधानसभा में पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, और क्या आज रहने वाला है? आज विधानसभा का सत्र शुरू है, पहला दिन। इस महत्वपूर्ण मंच पर वह जनमानस से, आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुछ राजनीतिक कारणों से
जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की, पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी। तो आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को फिलहाल शांत रहना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहां पर खुद ही बहुत सारी ऐसी समस्या है जिन पर विधानसभा में बात होनी है। अगर वो इसी तरह हंगामा करेंगे तो बातचीत कैसे हो पाएगी। और फिलहाल उन्होंने कहा कि मणिपुर को या तमाम राज्य उनको लेकर जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा हो रही है। फिलहाल अगले जो बयान है वो आपको डिप्टी सीएम और तमाम जो नेता है सरकार की तरफ से उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज विपक्ष ने बेहद ज्यादा हंगामा किया। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से बयान सामने आ रहा है, पहले आपको डिप्टी सीएम और जो तमाम सरकार की तरफ से नेता हैं उनके बयान सुनवा देते हैं। कल दलीय नेताओं की बैठक में हमारी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से वार्ता हुई थी। हमने सभी से आग्रह किया है कि सुचारू रूप से सदन चलने दें। सदन चर्चा का मंच है, हर प्रकार से हर प्रकार का समाधान चर्चा के माध्यम से निकल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही अपेक्षा सभी दलीय नेताओं से की थी। मैं समझता हूं कि सदन हंगामे के लिए नहीं है, सदन केवल चर्चा के लिए है और चर्चा करें। सरकार हर तरीके से तैयार है। उन्हें विधानसभा में आकर अपनी बात कहना चाहिए, हम बात सुनेंगे भी और उसका उचित जवाब भी देंगे। सर आज विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होगा? सर विधानसभा में आज बैठक होगी और कार्यसूची के अनुसार कार्रवाई होगी। तो पुराने कुछ दंगों को जो लेकर रिपोर्ट रखे जाने की बात कही जा रही है कि पटल पर कुछ रिपोर्ट्स रखी जाएंगी जो कई सरकारों में दबी हुई थी। जी रखी जाएगी। कौन कौन से दंगे कुछ टाइप? अब जो सामने आएगा वो रखेंगे हम। कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी पे घेरने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने
और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है, ये किसानों से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर सकारात्मक चर्चा करें। अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तब विवाद करेंगे, हो हल्ला करेंगे, और एक जनहित में अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर उस जनहित के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है जो उनके पास मुद्दे हों लेकर। क्या सर सपा और एलडी प्रदर्शन करने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह के प्रति? करने तो वो तो लोकतंत्र है, कोई प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सदन में जरूर मैं अपेक्षा करता हूँ कि विपक्ष अपने सकारात्मक दायित्व का जो जनता के प्रति उस सरकार की भी जवाबदेही है, विपक्ष की भी जवाबदेही है, तो विपक्ष मुद्दे उठावे, सरकार उसके समाधान के लिए तैयार। विपक्ष कह रहे हैं स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। नहीं तो स्थगन प्रस्ताव के लिए तो कोई ना कोई विषय होगा ना, जिस विषय पे लाना चाहते हैं वो बताएंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, उनके पास जो मुद्दा हो वो लावे ना, किस विषय पे स्थगन लाना चाहते हैं। सर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो अपना स्तर गिरा चुके हैं, उससे सांड और बैल के बारे में ट्वीट किया करते हैं, उनको यही खबरें अच्छी लगती हैं। देखिए ये अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी का दोस्ताना जो संबंध है उस पर उनके बयान है, उस पर मुझे क्या बोलने की जरूरत तो बताओ। आज विधानसभा सत्र है, सत्र की तैयारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जनता के हितों के लिए काम कर रही है। विपक्ष केवल शोर शराबा करके जनता के हितों से मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए। तो तमाम नेताओं के बयान आपने सुने, आपको अगला बयान जो है वो ओपी राजभर का सुनाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने 2022 का जो चुनाव है वो सपा के साथ मिलकर लड़ा था और कुछ दिन पहले ही बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है क्योंकि वो सपा को घेरते हुए नजर आ रहे, सुनवा देते हैं आपको। देखिये कल जो सर्वदलीय बैठक में जो बातें तय हुई है, सरकार बाढ़ के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है, सदन चर्चा के लिए बना है। तो विपक्ष अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के अगर चर्चा करना चाहे तो सरकार उस पर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे चीजों को लेकर के, महंगाई को लेकर के कई मुद्दे उठाले जा रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं? विपक्ष का काम ही हल्ला करना है, चिल्लाना है, कुछ करना तो है नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की जो योजना है जनता तक पहुँचाया जा रहा है। विपक्ष इस नाते परेशान है कि ये सरकार गरीबों के विकास के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के विकास के लिए काम कर रही है, इस नाते विपक्ष को ज्यादा चिंता हो रही है कि अब हम लोग क्या करें। ये कुछ तो कर नहीं सकते, बस हल्ला कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि वो मुसलमानों का एक तरफा पिछली बार उन्होंने वोट पाया था, उसके बाद मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, उसे सामने राजनीति। हम असदुद्दीन ओवैसी की बातों से 100% सहमत हैं। 4-4, 12-18% मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया 4 बार की सरकार में? एक बार डिप्टी सीएम भी तो नहीं बनाया, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। 18% वोट वो देगा, 9% यादव वोट देगा, 18% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो वैसी जी ने जो कहा 100% सही कहा है। तो आपने ओपी राजभर को सुना, यहां पर सपा को वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे, तमाम इसी तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा था और उसको लेकर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई। अगला जो बयान है वो आपको एसपी डीजी प्रशांत कुमार का स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर जो है उनका बयान आपको सुनवा देते हैं क्योंकि यहां पर विधानसभा के बाहर बेहद ज्यादा हंगामा हो रहा है। फिलहाल वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उनसे सुन लेते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह ये सारी जो चीजें होती है इसकी संभावनाएं बनी रहती है विधानसभा सत्र के दौरान। सत्र के सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाए गए हैं, जो विधानसभा के चारों तरफ हमारी दो लेयर की व्यवस्थाएं हैं। ट्रैफिक पे भी डाइवर्शन का प्लान पहले से बताया गया है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि माननीय विधायकगण और माननीय मंत्रीगण और श्रेणीबद्ध सुरक्षा के जो भी लोग हैं उनके साथ किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो तथा इसके साथ साथ आम जनता को भी कोई कष्ट ना हो। ठीक है।
आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए।